ब्रेक के बाद एक बात में भगवान शिव का अलौकिक संसार है। वैसे तो कण कण में शंकर बसते हैं, लेकिन कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो आस्था और संस्कृति का संगम है। एक ऐसा ही शिव का मंदिर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में है, जो अन्य शिवालयों से कई मायनों में अलग है। देखिए रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव, जो सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ नमूना है। कला और विरासत को समेटे ये सिर्फ कलाकृति नहीं बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र भी है। कवर्धा जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है भोरमदेव मंदिर, जो 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। माइकल श्रेणी पर्वत के बीचों बीच विराजमान भोरमदेव मंदिर अपने आप में काफी आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। साथ में छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भी इसको जाना जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर से लोग यहाँ पर पूजा करने पहुंचते हैं, यहाँ पर अपने मनोकामना लेकर के पहुंचते हैं। भोरमदेव मंदिर की अपनी एक अलग खासियत है, आइए जानते हैं भोरमदेव मंदिर के बारे में। भोरमदेव मंदिर को लेकर एक किंवदंती भी प्रचलित है। कहा जाता है कि नागवंशी राजा गोपाल देव ने इस मंदिर को एक रात में बनाने का आदेश दिया था। उस समय 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता था। राजा के आदेशानुसार इस मंदिर को एक रात में ही बनाया गया था। यह मंदिर तो परम पुरातन है, कवर्धा जिला का हृदय स्थल है, और कहा जाए कि पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारतवर्ष में यह खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1089 को यह मंदिर निर्मित हुआ था। फणी नागवंशी राजा उनके द्वारा जो है उनके छठी वंशज में जो है राजा गोपाल देव राय हुए, उनके द्वारा यह परम दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। गर्भगृह में भगवान आशुतोष भगवान महादेव जी महाराज विद्यमान है। मंदिर की कलाकृति और प्राकृतिक सुंदरता भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लाती है। यही वजह है कि दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर पर पहुँचते हैं। ये प्रत्येक तीर्थ स्थलों में से सबसे प्राचीन और प्रमुख तीर्थ स्थल है छत्तीसगढ़ का, और ये अपने कलाकृतियों के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, और जिसे देखने हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग सुने थे मंदिर के बारे में, तो इसलिए आए हैं। यहाँ पे शिव जी की बहुत पुरानी मंदिर है, एक शिव जी का और एक हनुमान जी का भी है, जहाँ पे मनोकामना वगैरह पूरी होती है, ऐसा भी पंडित जी बता रहे थे। और बहुत प्राचीन है, 1000 साल पुराना है। यहाँ प्रतिमाएं वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और नेचर भी यहाँ का बहुत अच्छा है, जो एकदम मतलब शांत वातावरण यहाँ का, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो अंदर मंदिर में अंदर जब प्रणाम वणाम कर रहे थे तो अलग ही लेवल पहुँच गए थे हम लोग शांति से। यहाँ का डिज़ाइन बहुत पुराना है ऐसा सुनने में, अभी भैया ने महाराज जी ने बताया कि 1000 साल पुराना मंदिर है करके। वैसे तो साल भर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है। कावड़ में जल लेकर दूर दूर से भक्त यहाँ मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज़, कवर्धा।